नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। देश की सियासत को प्रभावित करने वाले उत्तर प्रदेश में सुगबुगाहट फिर तेज है। इस बार ये निकाय चुनावों को लेकर है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से लंबी दूरी रखने के बाद घर लौटने वाले शिवपाल यादव का कद पार्टी में फिर एक बार बढ़ता दिखाई देने लगा है। निकाय चुनावों के करीब होने से सभी दल अपनी अपनी रणनीति बुन रहे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी की नजर शिवपाल यादव पर है। माना जा रहा है कि निकाय चुनाव में शिवपाल को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। क्या होगी वो जिम्मेदारी, इस रिपोर्ट में देखिए। समाजवादी पार्टी अपने संगठन के विस्तार के मूड में है, और ऐसे में अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस दौरान शिवपाल यादव को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। निकाय चुनावों में समाजवादी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, जिसके चलते पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी लगातार दौरे कर रहे हैं। जानकारी ये भी सामने आई कि पार्टी 15 जनवरी के बाद संगठन में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। इन्हीं बदलावों में से एक के तहत शिवपाल यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता रहे शिवपाल यादव ने पार्टी से नाता तोड़कर अपनी अलग पार्टी बना ली थी। उनके और अखिलेश यादव के बिगड़ते रिश्तों की खबरें भी सुर्खियों में रही, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और यादव परिवार के मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद इन दोनों नेताओं के बीच दूरियां मिटती चली गई। इस बात पर हाल ही में हुए मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के दौरान औपचारिक मोहर भी लग गई, जब शिवपाल यादव ने खुलकर उनकी बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के लिए चुनाव प्रचार किया। मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी सीट पर उपचुनाव हुए। हालांकि उपचुनाव में शिवपाल की उम्मीदवारी को लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने की जगह अपनी बहू के लिए खुलकर प्रचार किया। वहीं उपचुनाव जीतने की खबर के साथ ही चाचा शिवपाल ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। अखिलेश यादव ने खुद अपने चाचा शिवपाल को पार्टी का झंडा देते हुए उनकी वापसी समाजवादी पार्टी में करवाई। इस तरह यादव परिवार में काफी समय से चल रही खटपट का भी अंत होते हुए दिखाई दिया। अब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव एक बार फिर से शिवपाल को उनका पुराना वाला सम्मान और रुतबा लौटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब पार्टी की नजर निकाय चुनाव पर भी है, जिसके लिए पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। तो निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी अब शिवपाल यादव पर फिर से दांव खेलने के मूड में है। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि पार्टी शिवपाल को कोई नई जिम्मेदारी दे सकती है, लेकिन अब देखना ये होगा कि शिवपाल को मिलने वाली नई जिम्मेदारी से क्या सपा निकाय चुनाव में जीत हासिल कर पाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।